और रुक करेंगे अगली खबर का। उज्जैन कांग्रेस में एक बार गुटबाजी देखने को मिली और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ लिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं में गाली गलौज के साथ हाथापाई भी हो गई और एक और कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को एक करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा हंगामा तो नहीं हुआ था। बाकी जो कार्यकर्ता था हमारा उमेश सिंह सिंगर करके, वो ये चाहते थे कि वो कुछ बोले माइक पे, तो उनका नाम नहीं आ पा रहा था। जो संचालन कर रहे थे वो लोग उन्होंने कह रहे थे, संचालन करने वाले रवि भदौरिया जी, कि भैया हम ये सीनियर लोगों को बुला लें, उसके बाद में आपको बुला लेते। थोड़ी देर तक तो वो बैठे, उसके बाद उनको कुछ ऐसा लगा कि शायद वो उनको नहीं बुलाएगा, इस कारण उनने जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला था उन लोगों को कि भैया आप बैठ जाओ, आपको अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद बुला के और आपसे भाषण करा लेंगे। नहीं, हाथापाई कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ बातचीत हुई, धक्का धुक्की हुई, भीड़ एकदम ज़्यादा चेट गई तो कोई उनके ऊपर आया, कुछ मेरे ऊपर लोगों ने अलग अलग करा, बाकी ऐसी कोई लड़ाई और कुछ हंगामा नहीं। क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, नेताओं में काफ़ी जोश है और संगठन के लिए ये मीटिंग आहूत की गई थी, मगर हमारे कुछ साथी जोश खरोश में थे और वो ये चाहते थे कि हर आदमी बोलना चाहता था, जबकि तय ये हुआ था कि उसमें सिर्फ वरिष्ठ लोग ही बोलेंगे और अपनी जो सुझाव देंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश तागरे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। जी नीलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनसे संपर्क करते रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर है, गाली गलौच भी की, हाथापाई तक ये विवाद आ गया। कांग्रेस के सामने गुटबाजी आई, खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, बड़ी गुटबाजी यहां पर देखने को मिली मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, आपस में भिड़ने लगे, आपस में वाद विवाद होने लगा और उसके बाद बात हाथापाई तक आ गई।